स्टूडेंट, मैं MS निरंकारी पब्लिक स्कूल से पढ़ा रही हूँ संस्कृत कक्षा 4। पाठ्य पुस्तक है संस्कृत कॉमेटी। पाठ है मम विद्यालय यानी मेरा विद्यालय माई स्कूल। प्रथम पाठ है बच्चों, अब देखिए पाठ है प्रथम। अयम मम विद्यालय अस्ति। अयम मने होता है यह, मम मने मेरा, विद्यालय मने विद्यालय, अस्ति मने है, तो मम अयम मम विद्यालय अस्ति, यह मेरा घर है। मम विद्यालय नगरात वही अस्ति, मेरा मेरे नगर में बहुत से विद्यालय हैं। मेरे नगर में, मम मने मेरे नगर में बहुत से विद्यालय हैं। मम विद्यालय से नाम सरस्वती शिशु मंदिरम अस्ति, यानी मेरे विद्यालय का नाम सरस्वती शिशु मंदिर है। विद्यालय से भवनम अति विशाल अस्ति, विद्यालय का भवन बहुत बड़ा है। विद्यालय चतुर्दशत छात्रा सन्ति, यानी विद्यालय में 1400 छात्र है। अहम यथा समय विद्यालय गच्छामि, मैं विद्यालय समय से जाता हूँ। यथा समय यानी समय से, मैं विद्यालय समय से जाता हूँ। मम सहोदर अति अत्र पठति, मेरा भाई भी यहाँ पढ़ता है। मेरा भाई भी यहाँ, अत्र मने होता है यहाँ, पढ़ती मने पढ़ता है, मेरा भाई भी पढ़ता है। सहोदर मने भाई, मेरा भाई भी पढ़ता है। स अति व मेधावी अस्ति, वह बहुत तेज है। मेधावी मने होता है तेज, वह बहुत तेज है। मम मित्र सचिन अस्ति, मेरा मित्र सचिन है। स अपि मया स विद्यालयं गच्छति, वह भी मेरे साथ विद्यालय जाता है। विद्यालय एकम उपनम अस्ति, विद्यालय में एक बगीचा है। तस्मिन् उनके अनेके वृक्षा सन्ति, उसमें बहुत से वृक्ष है यानी पेड़ है। मालाकार वृक्षान जलेन सिंचति, माली जो है वृक्षों को जल से सिंचाई करती है। उपनम अनेके पुष्पाणि सन्ति, बगीचे में अनेक फूल भी है। तानी मरुणानि सन्ति, उसमें उससे सुंदर लगते हैं। मम विद्यालय एक पुस्तकालय अपि सन्ति, मेरा विद्यालय एक में एक पुस्तकालय भी है। मेरा विद्यालय में एक पुस्तकालय भी है। तस्मिन् बहुवानि पुस्तकानि सन्ति, उसमें बहुत से पुस्तकें हैं। उसमें बहुत से प्रकार के पुस्तकें हैं। वयं पठनाय तत्र गच्छामि, हम लोग पढ़कर, हम लोग पढ़ने के लिए वहाँ जाते हैं। पठनाय माने पढ़ने के लिए, वयं यानी हम लोग पढ़ने के लिए वहाँ जाते हैं। मम विद्यालय क्रीडाश्रम अस्ति, मेरा विद्यालय में खेल के मैदान भी है। सर्वे छात्रा मध्यवा काशमित्रे सक्रीडन्ति, सभी छात्र मध्य यानी बीच छुट्टी में मित्रों के साथ खेलते हैं। सभी छात्र मध्य यानी बीच की छुट्टी में मित्रों के साथ खेलते हैं। बीच की छुट्टी होता है, जैसे इंग्लिश में कहते हैं उसको लंच, उसी तरह बीच की छुट्टी में हम लोग मित्रों के साथ खेलते हैं। जैसे आप शब्द ज्ञान बच्चों, आप यानी आपके पास बच्चों बुक किताब नहीं है, इसलिए आप किताब जब खरीदी किताब से पढ़िएगा, ये है संस्कृत, किताब से पढ़िएगा तभी आपको समझ में और जल्दी आएगा और याद आएगा। बच्चों आप किताब अवश्य खरीद लें।